हेलो स्टूडेंट्स, तो बघेल फिजिक्स क्लासेस में आज मैं काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में वेक्टर का एडिशन सीखा था, आज हम लोग वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, कैसे वेक्टर घटाए जाते हैं। और पहले हम लोग इसका ज्योग्राफिकल मेथड देखेंगे, फिर एनालिटिकल मेथड देखेंगे, यानी पहले हम लोग फिगर बनाकर कैसे ऐड करते हैं और फिर इक्वेशन से। ठीक, तो चलिए चालू करते हैं हम लोग। वास्तव में वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी कोई कहता है वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो हम लोग वहाँ भी वेक्टर को ऐड ही करते हैं। यानी वेक्टर में घटाने जैसी कोई बात नहीं होती, हमेशा वेक्टर को जोड़ा ही जाता है। सर जी, मतलब घटाने के लिए कहेगा तब भी हम लोग जोड़ देंगे? हाँ, तब भी हम लोग उसको ऐड ही कर देते हैं। आइए देखते हैं जरा होता क्या है। होता यह है कि मान ली किसी ने आपसे कहा कि 10 में से 2 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 10 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 8। अच्छा, अगर 10 में से 2 माइनस करना था, यानी जिसे माइनस करना था, अगर उसमें माइनस साइन लगा के पहले वाले में जोड़ दें, ऐड कर दें, 10 प्लस माइनस, यानी 10 में से 2 माइनस करना है, यानी घटाना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो पर हम 2 को सब्ट्रैक्ट ना करें, बल्कि 2 में माइनस साइन लगाया और 10 में ऐड कर दें, रिजल्ट तो तब भी वही आएगा। यानी ये दोनों बातें तो एक ही हुई। ठीक है, वेक्टरों के घटाने में, वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करने में हम लोग कुछ हद तक यही काम करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें निकालना है, तो अगर हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना होता है, तो हम लोग इसको ये लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी हमें ये निकालना है तो इसको हम ये लिख सकते हैं। तो जब हमें ए से बी घटाना होता है, तो हम लोग ए से बी को घटाते नहीं, ए से बी माइनस नहीं करते, बल्कि जिस वेक्टर को माइनस करना है, किसको माइनस करना है, यहाँ बी को, हम लोग उसमें माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन लगाने का मतलब क्या हुआ, जैसे बी वेक्टर है तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं माइनस बी का मतलब बी का अपोजिट वेक्टर, और अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, ये हम लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। किसी वेक्टर के अपोजिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड वही रखे, बस डायरेक्शन ठीक रिवर्स कर दें। जैसे अगर एक वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर लंबा ईस्ट की ओर, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, लंबाई वही रहेगी, बस वो वेस्ट की ओर होगा। अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बिना चेंज किए हुए हम उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दें, ठीक उलट दें, तो वो उस वेक्टर का माइनस वेक्टर हो जाता है। ठीक, तो ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो ये वेक्टरों को घटाने के लिए हम लोग इसी बात का यूज करते हैं। हमें अगर वो ए से बी घटाने के लिए कहता है, माइनस करने के लिए कहता है, तो हम ए से बी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि ए में माइनस बी ऐड कर देते हैं। और एडिशन तो हम लोगों ने सीखा ही हुआ है। ठीक, तो एडिशन हम लोगों को आता है कि वेक्टर ऐड कैसे किए जाते हैं, तो को ऐड कैसे करते जानते ही हैं। तो बस क्या करना है, जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी माइनस करना है, हम पहले उसका माइनस वेक्टर जो है वो ले लेंगे। ठीक है, माइनस वेक्टर मतलब उसका अपोजिट वेक्टर, और किसी वेक्टर का माइनस वेक्टर या उसका अपोजिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को उतना ही रहने देते हैं, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर माइनस ए हो जाएगा, लेंथ वही, डायरेक्शन अपोजिट कर दी, वो उस वेक्टर का माइनस वेक्टर हो गया। ठीक, माइनस वेक्टर निकालना सीख गए। ठीक, उसमें कोई बात ही नहीं है, माइनस वेक्टर माने अपोजिट वेक्टर, और किसी वेक्टर के अपोजिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड वही रहे, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए। ठीक, तो बस सब्ट्रैक्ट करना सीख गए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने में करना क्या होता है, बस खाली ऐड ही तो करना होता है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं जरा। मान लीजिए कि एक ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, दो वेक्टर दिए गए और हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालिए। तो दो वेक्टरों का डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने वेक्टर, आप पहले ये देखिए कि ए से बी घटाना है, तो किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बी को, तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका माइनस वेक्टर निकाल लेते हैं। तो सोचिए अगर ये बी है तो माइनस बी क्या होगा, बस यही एरो इधर लगा दें, वो बी है तो लेंथ उतनी रखिए, डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दीजिए, ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा। ठीक है,
अब हमने ए वेक्टर खींचा जितना लंबा खींचना था और जिस डायरेक्शन में खींचना था। अब इसमें माइनस बी हमें जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, बी के टेल को इसके हेड पॉइंट से मिलाते हुए खींचेंगे जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो। ठीक, जितना भी लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया उस डायरेक्शन में आप खींच लीजिए इसको। ये आपका माइनस बी हो गया। तो आप जानते हैं कि ये ए वेक्टर है और हमें अगर ए माइनस बी चाहिए तो आप जानते हैं जिसको सबट्रैक्ट करना उसका माइनस वेक्टर प्राप्त करके पहले वाले में जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमने माइनस बी निकाल लिया डायरेक्शन अपोजिट करके। अब ए में माइनस बी ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका एक के हेड से दूसरे का टेल खींचे, तो ए में बी नहीं ऐड करना माइनस बी, तो माइनस बी ये वेक्टर है तो उसका टेल इसके हेड से मिलाते हुए खींच दिया। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला दें और हेड पॉइंट की ओर एरो लगा दें, यही तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर, मान लीजिए इसको हम नाम दे दें आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा दो वेक्टरों का एडिशन होता है, तो यहाँ भी आर वेक्टर जो है ये एडिशन है किसका किसका, जिनको आपने ऐड किया, किसको ऐड किया है, इसको इसको। तो आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो आर वेक्टर इक्वल टू आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्लियर हो गया, हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए था, इक्वेशन ये बता रही कि आर वेक्टर उसके क्या है बराबर है। यानी हम इसी आर वेक्टर को नाप लें, जैसे दो वेक्टरों को ऐड करते हैं, दो वेक्टरों को जोड़ने पर क्या आएगा, एक नया वेक्टर। वैसे ही अगर एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वैसे सीधी बात यह है कि वेक्टर होता क्या है, कोई वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी ऐड होगी तो स्केलर नहीं आ जाएगा, वेक्टर ही आएगा। ऐसे ही एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वेक्टर ही आएगा। ठीक, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें निकालना था, इक्वेशन बता रही है कि आर वेक्टर उसके बराबर है, तो बस इसी को नाप लेंगे स्केल से। ये इन दोनों वेक्टरों के डिफरेंस का, इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस क्या है, एक नया वेक्टर, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये एंगल नाप लीजिए। तो लिख देंगे वेक्टर ए से इतने एंगल पर। तो इस तरह से हम लोगों ने दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन यानी घटाना सीख लिया, कैसे घटाते हैं। तो बहुत सरल है, ठीक है, जिस वेक्टर को घटाना हो जिस उसका माइनस वेक्टर निकालिए और उठा के पहले वाले में ऐड कर दीजिए, जोड़ना आप जानते ही हैं। क्लियर हो गई बात, ये सबकी समझ में आ गई बात। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जब एंगल दिया जाए तो क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एडिशन में बताया था, उसी को सबसेक्शन में बदल लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक वेक्टर ए है 5 सेंटीमीटर लंबा, दूसरा वेक्टर बी है 4 सेंटीमीटर लंबा, इनके बीच का एंगल 30 डिग्री है और हमें इस बार ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे वो देखिए जरा। तो आप जानते हैं इसमें ए का मैग्नीट्यूड हमें पता है 5 सेंटीमीटर, तो ए वेक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा खींचेगा। किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं पता तो मैंने बताया था डायरेक्शन ना पता हो तो हॉरिजॉन्टल बना लीजिए। तो वेक्टर ए को हमने हॉरिजॉन्टल 5 सेंटीमीटर लंबा खींच दिया। अब इसमें हमें बी माइनस करना है, तो आप जानते हैं जिसको माइनस करना है उसका माइनस वेक्टर प्राप्त कर देते, हम बी का माइनस वेक्टर निकालें। बी के बारे में बताया कि बी जो है वो ए से 30 डिग्री के एंगल पर है, माइनस बी कितने एंगल पर होगा ये नहीं पता, चाहिए हमें माइनस बी। बी के बारे में पता है कि वो ए से 30 डिग्री के एंगल पर है, तो आप पहले बी खींचिए, क्योंकि जब वेक्टर पता होगा तभी तो उसकी डायरेक्शन उल्टोगे। और बी के बारे में ये पता है कि वो ए से 30 डिग्री के एंगल पर है। एडिशन में हम सीख चुके जब एंगल दिया जाए तो पहले ए को डॉटेड आगे बढ़ा लें और इस डॉटेड लाइन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी वेक्टर खींचते हैं। ये तो आप सीख चुके हैं, याद है कि भूल गए, क्योंकि जब एक हेड से दूसरे का टेल मिलता है तो भीतर वाला कोण दो वेक्टरों के बीच का एंगल नहीं होता, बल्कि बाहर वाला एंगल दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इस वेक्टर ए को इतना आगे बढ़ाएं कि इसकी ये टेल यहां आ जाए ऐसे करके, तो ये और ये बी उनके बीच का एंगल 30 तो निकलेगा। तो ये लीजिए हमें बी निकाल लिया कि ये है बी, हमें चाहिए तो माइनस बी था। तो अभी क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को हम लोग ठीक उलट देंगे। अब आप इसकी डायरेक्शन को ठीक उलट दीजिए, जस्ट रिवर्स कर दीजिए इसकी डायरेक्शन को। कैसे रिवर्स करेंगे, आपको बी की जरूरत तो थी नहीं, माइनस बी चाहिए था, तो उसकी डायरेक्शन को हम लोग ठीक उलट देते हैं।
जस्ट रिवर्स कर देते हैं। तो ये हमने इसका माइनस वेक्टर खींच लिया, बस इसको उलट देना है। बी कितना था? 4 सेंटीमीटर, तो माइनस बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी लाइन के ऊपर आप स्केल रखिए और इसको पीछे की ओर बढ़ा लीजिए। कितना बढ़ाएंगे? 4 सेंटीमीटर, और इधर की ओर एरो लगा दिया, तो ये आपका माइनस बी वेक्टर हो गया। तो ये दिखाई दे रहा, हमने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया। अब फिर से पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला लीजिए और हेड पॉइंट की ओर एरो लगा दीजिए। ये इन दोनों का एडिशन हो गया, रिजल्टेंट आर वेक्टर। और यहां आर वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस, ए में किसको ऐड किया? माइनस बी को। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वेशन बन गई। और हमें निकालना क्या था? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इक्वेशन बता रहा है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो आपको निकालना था वो आर वेक्टर के बराबर है। तो इसी आर वेक्टर को हम स्केल से मेजर कर लेंगे, नाप लेंगे, तो वो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड होगा। लेंथ क्या होती? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। और ये एंगल मेजर कर लेंगे जितना भी आ जाए। ठीक, मान लो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर आई, ये एंगल 37 आया, तो लिख देंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा है और वेक्टर ए से 37 डिग्री के एंगल पर है। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोग वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। वास्तव में वेक्टरों को घटाते हैं ही नहीं, वेक्टरों को हमेशा जोड़ ही देते हैं देखा जाए तो। बस जिस वेक्टर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है यानी घटाना है उसका माइनस वेक्टर निकालते हैं और उठा के पहले वाले में ऐड कर देते हैं। तो जब आप ऐड कर देते हैं तो वो निकल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जाता है। क्लियर हो गई ये बात? इतनी सबकी समझ में आ गई ये बात अच्छे से? अब हम लोग देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में, ये ग्राफिकल मेथड का मेथड वन है, और फिगर बना करके यानी ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग एक और मेथड भी है जिससे हम वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें माइनस वेक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसी में मैं सिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन वही है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं को इनिशियल पॉइंट मेथड। को इनिशियल पॉइंट मेथड मतलब जिसमें इनिशियल पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट किसे कहते हैं, वेक्टर का टेल पॉइंट, वो कॉमन हो। अभी कॉमन नहीं था, अभी एक का हेड जहां था वहां दूसरे का टेल था। ठीक, इस मेथड में हम लोग दोनों के टेल पॉइंट को एक ही जगह रखेंगे, जैसे वेक्टरों के एडिशन में पैरेललोग्राम मेथड में होता था। ठीक, तो यहां पर इसे हम बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट मेथड। ठीक, यानी जिसमें प्रारंभिक बिंदु जो है वो एक ही हो। तो घटाने के इस मेथड में क्या करते हैं, जिन दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है उन्हें एक ही पॉइंट से खींच लेते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट है हमारा, यहीं से ए वेक्टर खींच दिया जितना लंबा दिया गया हो और जिस डायरेक्शन में, और यहीं से बी वेक्टर खींच दिया जितना लंबा और जिस डायरेक्शन में दिया गया हो। तो पहला काम, दोनों वेक्टर को टेल से टेल मिला ली, तो इनिशियल पॉइंट तो एक ही हो गया। अब इन दोनों वेक्टरों के हेड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, ध्यान रखिए दोनों वेक्टर्स के हेड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस होगी। अगर हम दोनों के हेड पॉइंट को मिला दें तो ये जो लाइन दोनों वेक्टर के हेड पॉइंट को मिलाती है यही दोनों वेक्टरों का डिफरेंस होती है। यही ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेगा और यही बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी रिप्रेजेंट करेगा। डिपेंड करता है कि इसमें एरो किधर लगाते हैं। अगर आपने इसमें ए की ओर एरो लगा दिया इधर की ओर, तो ये जो वेक्टर आया है ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा, और इसी में से अगर बी की ओर एरो लगा देते तो वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाता। यानी इस मेथड में हम लोग एरो उस, पहले तो दोनों को एक ही पॉइंट से खींच लेंगे, फिर दोनों के हेड पॉइंट्स मिला देंगे, और ये हेड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, हमेशा याद रखिए ऐसा कोई भी फिगर बनाओ जिसमें दो वेक्टर एक ही पॉइंट से खींचे हो और फिर कोई लाइन उनके दोनों के हेड पॉइंट मिला रही हो, तो समझ जाइए ये इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस है। और ये लाइन जो है जो दोनों वेक्टरों का डिफरेंस है, ठीक, ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कब होगी, जब इसमें ए की ओर एरो लगा होगा। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कब होगा, जब इसमें बी की ओर एरो लगा होगा। ये मेथड तब ज़्यादा आसान लगता है, ठीक है, मतलब तब ज़्यादा यूजफुल मालूम पड़ता है जब ऐसा है दो वेक्टरों के बीच का एंगल दिया हो। जैसे यहाँ एंगल दिया था तो पहले हमें बी निकालना पड़ा, फिर उसको उलटना पड़ा। इसमें सब कोई झंझट नहीं क्योंकि इसमें दोनों को टेल से टेल मिला के खींचते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी इसी मेथड से बता देता हूँ। तो पहले ए वेक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा खींच लेंगे, किधर खींचेंगे, डायरेक्शन नहीं दी गई तो हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, ये खींचा ए वेक्टर। अब बी वेक्टर हमें चूंकि यहां टेल से मिला के खींचना है, ठीक है,
और बी हमें पता है ए से 30 डिग्री के एंगल पर है, और चूंकि टेल से टेल मिली है तो यही एंगल आप जानते हैं दो वेक्टरों के बीच का एंगल होता है, तो यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए बी वेक्टर खींच लीजिए आप अपना। ये हमने ए और बी एक ही पॉइंट से खींच लिए। अब हम ए और बी के हेड पॉइंट को मिला देंगे, और ये जो लाइन है ये इन दोनों वेक्टरों का डिफरेंस होगी। चूंकि आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो इसमें हम एक योरेरो लगा देंगे, बस ये हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। इस बार ये नहीं, सीधे ये वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। कोई दिक्कत हो बताइए आप। तो ये वेक्टरों को घटाने का एक सेकेंड मेथड है, सेकेंड ग्राफिकल मेथड है, ठीक। इसे कहते हैं को इनिशियल पॉइंट मेथड, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टरों का इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है, और इसमें माइनस वेक्टर प्राप्त करने का कोई झंझट नहीं है। आप दोनों में से किसी भी एक को अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही हैं। पहले वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना भूल गए हो तो थोड़ा बैक करके ले लीजिएगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। क्योंकि ये सब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, ये सब आपको एक बार समझ लेना है, फिर न्यूमेरिकल वगैरह में इसका यूज़ होना है। ये कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा कि वेक्टर को घटाते कैसे इसका मेथड लिखिए, या वेक्टर को जोड़ते कैसे इसका मेथड लिखिए। ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अप्लाई होंगे। नोट कर लीजिए फटाफट इसको। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग वेक्टरों को सब्ट्रैक्ट करने का एनालिटिकल मेथड। एडिशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई दो वेक्टर ए और बी हैं जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका जो रिजल्टेंट यानी उनका जो एडिशन वेक्टर होता है आर, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जहां वेक्टर ए जो है ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और थीटा उन दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल था जिन्हें हमें ऐड करना है। और फिर जो रिजल्टेंट होता है वो वेक्टर ए से कितने एंगल पर होगा उसकी डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था। इससे जो अल्फा निकलेगा वो हमेशा रिजल्टेंट का ए से एंगल होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इससे हम रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है दो वेक्टरों का एडिशन उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इससे उसकी डायरेक्शन निकालते हैं। आज हमें सबसेक्शन वेक्टर निकालना है, लेकिन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसेक्शन कुछ नहीं बस खाली एडिशन ही तो होता है। इस बार हमें ए से में भी ऐड नहीं करना बल्कि ए में भी घटाना है। मान ली सबसेक्शन, जैसे रिजल्टेंट वेक्टर को आर से दिखाते हैं वैसे ही सबसेक्शन वेक्टर को एस से दिखाएं, तो हमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर चाहिए। लेकिन आप जानते हैं हम इसको ऐसे भी तो लिख लेते हैं, एस वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। इसका मतलब हम अभी भी तो कह सकते हैं कि हमें एडिशन ही करना है। किसका करना है? ए और माइनस बी का करना है, ए में बी नहीं माइनस बी ऐड करना है। तो चूंकि ये भी एडिशन ही है, इसलिए यहां पर भी जो रिजल्टेंट है इस बार आर की जगह एस है, उसका मैग्नीट्यूड भी तो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए। फिर दूसरा वेक्टर कौन है? यहां माइनस बी है, लेकिन हम जानते हैं माइनस बी का मैग्नीट्यूड वही होता है जो बी का होता है। किसी वेक्टर के माइनस वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी तो बी ही रहेगा यहां रखेंगे। लेकिन यहां पर हम उन दो वेक्टरों के बीच का एंगल रखते हैं जिन्हें जोड़ना होता है, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, लेकिन यहां ए और बी को थोड़ी जोड़ रहे हैं, ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं। तो हमें यह देखना होगा कि जिन दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल कितना है। तो अगर फिगर में देखें वो वेक्टर बी है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, ये वेक्टर माइनस बी हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल हमें थीटा दिखाई दे रहा है, तो यहां तो ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं, तो जिन दो वेक्टरों को जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल ये होगा, ये पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस थीटा। बस हम यहां थीटा की जगह बस खाली इस फॉर्मूले में 180 माइनस थीटा रख देंगे। क्यों? क्योंकि हम ए और बी को जोड़ते तो उनके बीच का एंगल लेते, अभी हम ए और माइनस बी को जोड़ रहे हैं उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होता है, तो यहां पर हम 180 माइनस थीटा रख देंगे जब, तो हमें ए और माइनस बी का एडिशन मिल जाएगा जो कि कौन है? एस वेक्टर, और वास्तव में एस वेक्टर इन दोनों का सबसेक्शन है। बस रख दीजिए, उसमें काम बन गया आपका। इधर करके दिखा देता हूं मैं, आर की जगह अब लिख देंगे एस, क्योंकि किसका रिजल्टेंट है? ए और माइनस बी का। तो एस इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा। एस इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी
कॉस थीटा, जहाँ ए क्या है वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है वेक्टर, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है वेक्टर, ए और बी के बीच का एंगल है। ठीक, 180 माइनस थीटा ए और माइनस बी के बीच का एंगल था, लेकिन थीटा तो ए और बी के बीच का एंगल है ना। ठीक, तो अगर दो वैक्टरों को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उन वैक्टरों का जो डिफरेंस होगा वो खुद एक वैक्टर होगा। उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, एडिशन में प्लस होता है, यहाँ माइनस है। अब डायरेक्शन निकालने का ये फॉर्मूला, इसमें भी थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रखें, क्योंकि हमें आर वेक्टर नहीं एस वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, और एस वेक्टर जो है वो ए और माइनस बी का एडिशन है। तो जिन दो वेक्टरों का एडिशन कर रहे हैं उसी के बीच का तो एंगल यहाँ रखते हैं ना, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल तो 180 माइनस थीटा है। तो टेन थीटा इक्वल टू बी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होता है। तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वार्टर में जाएगा वहां कॉस निगेटिव होता है, तो माइनस बी कॉस थीटा। इससे हम लोग अल्फा निकालेंगे तो वो जो सब्सट्रैक्शन वेक्टर है एस वेक्टर, उसका वेक्टर ए से एंगल निकल आएगा। तो अगर दो वेक्टर ए और बी, चाहे ए से बी घटा रहे हो या बी से घटा रहे हो, ठीक, अगर हमें क्या पता है उनके मैग्नीट्यूड पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो उनका जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ से निकाल सकते हैं और डायरेक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये आपको नोट्स में नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें कैसे ये आया, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी न्यूमेरिकल की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या नोट्स में कहीं जगह अगर हो तो नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात सबको, नोट करिए इसको। तो चलिए, सब्सट्रैक्शन तो हमने सीख लिया दोनों मेथड से, अब एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि एक हवाई जहाज है, एक एरोप्लेन है, और ये 100 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। एक हवाई जहाज है जो 100 किलोमीटर चलिए पर आवर ही कर लेते हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है। ठीक, हमें बताना है कि जब ये अपना 1/4 सर्किल कंप्लीट करेगा, एक क्वार्टर जो है, ठीक है, 1/4 यानी एक चौथाई चक्कर पूरा करेगा, तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज होगा। कुल कहते सर जी अभी तो बता रहे हो आप 100 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, यानी एक समान चाल से घूम रहा है, तो चाल एक समान भी है और आप कह रहे हो वेग परिवर्तन निकालो। चाल अलग चीज़ होती है, चाल का मतलब होता है वेग का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन भी होती है। कोई भी सदिश राशि जो है वो तीन तरीके से बदल सकती है, केवल उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए, या केवल उसकी डायरेक्शन बदल जाए, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल जाए। याद रखिए, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है या किसी कर्व पाथ पर चलता है, मान लो कोई पार्टिकल इस कर्व पाथ पर चला, तो जब भी कोई पार्टिकल किसी कर्व पाथ पर चलता है तो कर्व के किसी पॉइंट पर खींची गई जो टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, वो उस बिंदु पर उसके वेग की दिशा होती है। अब जैसे इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें स्पर्श रेखा, तो इस पॉइंट पर उसके वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी और इस पॉइंट पर उसके वेलोसिटी डायरेक्शन ये होगी। भले यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकेंड हो, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। तो जब भी कोई पार्टिकल कर्व पाथ पर चलता है तो उसकी वेलोसिटी भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भले कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहती है। और डायरेक्शन चेंज हो रही तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दिशा बदल जाएगी तब भी वेग बदल जाएगा। तो यहाँ वो दे रहा है आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम केवल वी से दिखा सकते हैं, वो 100 किलोमीटर पर आवर है और एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जहाज। हमें एक चौथाई परिधि तय करने पर, जब वो 1/4 अपना सर्किल कंप्लीट कर लेगा, तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो जाएगा निकालना है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इसको। इसको करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप एक सर्कुलर पाथ बनाइए जिस पर जहाज घूम रहा है, ठीक है, आप एग्जैक्ट सर्किल बना लेना तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा। और फिर इस सर्कुलर पाथ में आप जहाज की इनिशियल कंडीशन, कहाँ वो पहले था, कहीं पर भी आप मान सकते हैं, मान लिया यहाँ था पहले और हमने मान लिया ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो अब इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच लें, टेंजेंट खींच लें,
सर टेंजेंट इधर की ओर खींचेंगे या इधर की ओर खींचेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप उसको चक्कर लगाता हो कैसे मान रहे हैं। अगर आप मान रहे हैं कि वो ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे आके किधर जाएगा, इधर की ओर, तो इधर की ओर टेंजेंट खींचेंगे। अगर आप मान रहे हैं कि वो ऐसे जा रहा है तो इधर की ओर स्पर्शरेखा खींचेंगे। तुमने यहाँ पे एक स्पर्शरेखा खींच दी, ये हो गया इसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। और चौथाई चक्कर बाद यहाँ होगा। अब यहाँ टेंजेंट खींचे तो यहाँ पे ऐसे आके किधर जा रहा है, ऊपर, तो यहाँ पे ऊपर की ओर स्पर्शरेखा खींच दी, ये लीजिए। तो ये चौथाई चक्कर बाद उसके वेग की दिशा हो गई, ठीक है। ये V1 है, ये V2 है। जूनियर क्लासों में आपको बताया गया होगा कि परिवर्तन निकालने के लिए हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक हटाते हैं, तो वेग परिवर्तन को हम लोग डेल्टा V से दिखाएंगे, डेल्टा V। और कैसे निकलेगा, V2 में से V1 घटाना होगा, लेकिन V2 में से V1 नहीं, V2 वेक्टर में से V1 वेक्टर घटाना होगा। और V2 वेक्टर में से V1 वेक्टर घटाओ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और सदिश राशियां हमेशा वेक्टर मेथड से ही जोड़ियों घटाई जाती है। तो V2 वेक्टर में से V1 वेक्टर घटाएंगे, ठीक, तो जो आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, तो डेल्टा V वेक्टर आएगा। तो आपको डेल्टा V वेक्टर चाहिए, वेग परिवर्तन चाहिए, तो V2 में से V1 घटाइए। तो चलिए इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डेल्टा V वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर प्लस माइनस V1 वेक्टर। आप जानते हैं जिसको घटाना होता है उसका माइनस वेक्टर निकाल कर पहले दिन जोड़ देते हैं। तो ये हमने इक्वेशन से कुछ नहीं होना, ये तो हमने बस खाली एक रास्ता लिख दिया कि हाँ हमें अगर डेल्टा V चाहिए तो हमें V2 में माइनस V1 जोड़ना होगा। अब V2 में माइनस V1 जोड़ने के लिए हमें V2 और माइनस V1 खींचने होंगे। खींचने के लिए हमें पता है कि इनका परिमाण दोनों का ही 100 किलोमीटर पर आवर है, और 100 किलोमीटर पर आवर की तो लंबी लकीर खींच नहीं सकती, तो पहले हमें स्केल मानना पड़ेगा। हमने यहाँ मान लिया कि लेट माना 20 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 100 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चूंकि V1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी दोनों का परिमाण जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो आपके स्केल के हिसाब से वो बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वो कह रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल चक्कर लगा रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, यानी हर पॉइंट पर उसकी स्पीड यही है। तो V1 का परिमाण भी यही होगा और V2 का परिमाण भी यही होगा, ठीक, समझ में आ गई बात आपको, यानी दोनों 5 सेंटीमीटर लंबे खींचेंगे। तो चलिए अब कर लेते हैं हम लोग, पहले किसको खींचेंगे, V2 किधर की ओर दिया गया, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हमने V2 वेक्टर खींच लिया, कितना लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा। स्केल से नाप कर आप ये V2 वेक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा बना दीजिए, ठीक, बना लेंगे आप, ठीक। इसके बाद में इसमें माइनस V1 जोड़ना है, तो V1 तो इस तरफ है, तो माइनस V1 किधर होगा, इधर की ओर। अच्छा, V1 अगर 5 सेंटीमीटर तो माइनस V1 भी 5 सेंटीमीटर होगा, बस V1 इधर है, माइनस V1 इधर होगा, और जोड़ने का मतलब उसके टेल को इसके हेड से मिलाते हुए खींच दें, तो माइनस V1 इधर होगा, तो उसके टेल को इसके हेड से मिलाते हुए खींच दिया, ऐसे कितना लंबा, वही 5 सेंटीमीटर लंबा। ये आपका माइनस V1 वेक्टर हो गया। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिला दें तो ये V2 और माइनस V1 का एडिशन होगा, और इक्वेशन बता रहे कि V2 और माइनस V1 का एडिशन डेल्टा V होगा, और डेल्टा V तो हमें चाहिए, वही तो वेग परिवर्तन है, तो मिलाइए। पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाया, हेड पॉइंट की ओर एरो लगाया, तो ये हमारा इन दोनों का एडिशन आ गया। इक्वेशन बता रही कि V2 और माइनस V1 का एडिशन डेल्टा V है, तो ये डेल्टा V वेक्टर आ गया। तो ये डेल्टा V हम लोगों ने निकाल लिया, फिगर में तो दिखाई दे गया। अब आप इसको स्केल से भी नाप सकते हैं, और चूंकि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, तो वेक्टर की लेंथ निकाल लें, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो डेल्टा V वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या तो ऊपर से एरो हटा दीजिए या मॉड ले लीजिए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ, और इस वेक्टर की लेंथ कैसे निकलेगी, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। तो वेग परिवर्तन जो है वो 5√2 सेंटीमीटर हुआ है। अब इसको स्केल के हिसाब से चेंज करें, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 किलोमीटर बराबर, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 है तो 5√2 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यह आ जाएगा 100√2 किलोमीटर बराबर, और रूट टू की यहां वैल्यू रख देंगे 1.414, तो ये हो जाएगा 141.4 किलोमीटर बराबर। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गई। चौथाई चक्कर बाद जहाज के वेग में कितना परिवर्तन हो जाएगा, 141.4
किलोमीटर प्रति घंटा का, 141.4 किलोमीटर पर आवर का चेंज होगा। और इसकी डायरेक्शन आप जानते हैं कि ये एंगल तो 90 है और ये साइड बराबर है, इसलिए इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों बराबर होंगे, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। ठीक, तो ये 90 अकेला निकल गया तो इन दोनों का सम कितना होगा 90, और ये साइड इक्वल है इसलिए इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये भी इक्वल होंगे, तो 90 डिग्री इक्वल इक्वल डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, तो ये एंगल 45 है। तो वेक्टर V2 से 45 डिग्री के एंगल पर, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी की, वेग परिवर्तन का परिमाण और ये वेग परिवर्तन की दिशा। समझाई बात, कोई दिक्कत हो बताइए। याद रखिए जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है कांस्टेंट स्पीड से तो चौथाई चक्कर बाद वेग परिवर्तन हमेशा जिस स्पीड से वो घूम रहा है उसका √2 गुना ही आता है। अगर ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा होता तो चौथाई चक्कर बाद 20√2 किलोमीटर पर आवर, और आधे चक्कर बाद वेग परिवर्तन जो होता है वो हमेशा दो गुना हो जाता है, आधे चक्कर बाद दो गुना। ठीक, वो भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आधे चक्कर वाला भी करके दिखा देता हूं। ये तो 1/4 एक चौथाई चक्कर बाद। ठीक, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, तो देख सकते हैं आप, आधे चक्कर बाद भी निकाल के दिखा देता हूं। मान ली यहां चला, ये प्रारंभिक वेग हो गया, और आधे चक्कर बाद कहाँ होगा, यहाँ तो चौथाई चक्कर बाद, आधे चक्कर बाद यहाँ होगा, और इस पॉइंट पर टेंजेंट किधर खींचेंगे, इधर, क्योंकि ऐसे करके इधर जा रहा होगा, तो अब V2 वो नहीं होगा, अब V2 ये हो जाएगा, आधे चक्कर बाद निकालना है V1 या V2। ठीक, वही बात है कि ∆V वेक्टर यानी वेग परिवर्तन कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सबट्रैक्ट करनी है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाना होगा, चूंकि वेग सदिश राशि होती है इसलिए वेक्टर मेथड से घटाना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ∆V वेक्टर इक्वल टू V2 वेक्टर प्लस माइनस V1 वेक्टर। ठीक, बाकी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है, V2 में माइनस V1 ऐड कर दें, ∆V निकल आएगा, और ऐड करने के लिए नहीं खींचना होगा, खींचने के लिए दोनों का परिमाण 100 है, तो V1 वेक्टर का परिमाण और V2 का परिमाण, दोनों का परिमाण 100 किलोमीटर पर आवर है, वैसे ही स्केल मान लीजिएगा तो 5 सेंटीमीटर फिर से आ जाएगा, वही लिख लीजिएगा कि माना 20 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो पहले V1, पहले कौन सा खींचेंगे, V2 वेक्टर खींचेंगे। ठीक, तो V2 वेक्टर इस बार इधर की ओर है, 5 सेंटीमीटर लंबा V2 वेक्टर खींच दिया। अब इसमें माइनस V1 जोड़ना है, तो V1 इस तरफ है, माइनस V1 इस तरफ होगा, और जोड़ना है तो उसके टेल को इसके हेड से खींचेंगे, किधर की ओर, V1 उधर, माइनस V1 इधर, तो इधर की ओर खींच दिया हमने, कितना लंबा, वही 5 सेंटीमीटर, ये माइनस V1 हो गया। अब पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाएं, हेड पॉइंट की ओर एरो लगाएं, वो रिजल्टेंट हुआ इनका। तो पहले के टेल को जब आखिरी के हेड से मिलाएंगे आप, पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाइए, ये वेक्टर उसी के ऊपर ओवरलैप कर जाता, अलग से दिखाई नहीं देता, तो हम इसे थोड़ा सा नीचे से बना रहे हैं। पहले के टेल को आखिरी के हेड से मिलाया, हेड पॉइंट की ओर एरो लगाया, जी इन दोनों का एडिशन है, इक्वेशन बताती है कि इन दोनों का एडिशन ∆V होगा, तो ∆V वेक्टर हो गया। और यहाँ तो ∆V वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण नापने की जरूरत ही नहीं है, पर ये 5 था, ये 5 था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू स्केल क्या था, 20 किलोमीटर पर आवर, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 में 20 से मल्टीप्लाई किया 200 किलोमीटर पर आवर। तो देखा आपने, आधे चक्कर बाद जब वेग परिवर्तन निकाला, किस चाल से घूम रहा था, 100 से, आधे चक्कर बाद वेग परिवर्तन कितना निकला, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही मैं कह रहा था कि जिस स्पीड से घूमेगा चौथाई चक्कर बाद वेग परिवर्तन उसका √2 गुना, आधे चक्कर बाद दो गुना, तीन चौथाई चक्कर बाद फिर से √2 गुना, क्योंकि तीन चौथाई चक्कर बाद V1 और V2, तीन चौथाई 3/4 यहाँ पे कंप्लीट होगा, और वेलोसिटी इधर होगी नीचे की ओर, तो एक वेग इधर दूसरा इधर, वही 90 डिग्री का एंगल बनेगा फिर से। तो 1/4 बाद कितना, √2, हाफ चक्कर के बाद दो गुना, 3/4 के बाद फिर से √2 गुना, और एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया तो वेलोसिटी चेंज कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि एक चक्कर पूरा करने के बाद जब यहाँ आएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी इसी ओर हो जाएगी, जिस ओर V1 है उसी ओर V2 है, यानी दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो एक चक्कर बाद वेग परिवर्तन शून्य हो जाएगा। समझ में आया सवाल सबको अच्छे से? ठीक, तो ये मैंने आपको वेक्टरों का सबट्रैक्शन पढ़ा दिया है, इसको तैयार करिए, फिर अगला वीडियो हम लोग बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।